कुछ ज्यादा ही नाइस हुआ हूँ आजकल. लेट्स कीप द फैन फेवरेट ट्रेन गोइंग विद द मोस्ट रिक्वेस्टेड डिश आई हैव रिसीव्ड बाय अ लैंडस्लाइड. ब्राउनीज. यू लव देम, योर डॉक्टर हेट्स देम, और इनको बनाना है सुपर सुपर इजी. हमने सिर्फ एक दो चीजों का ख्याल रखना है. सो लेट्स पुट ऑन आवर बेस्ट एप्रन एंड गेट टू वर्क. अब ब्राउनीज की दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट सेपरेट देम फ्रॉम केक्स, उनकी स्किन और उनकी फजीनेस. इन दोनों चीजों पर मैंने बहुत रिसर्च किया है एंड हियर्स व्हाट आई फाउंड. ब्राउनी स्किन के लिए हमारी शुगर की कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी. शाउट आउट टू माय प्रोफेसर मिस्टर एडम रगुसिया जिन्होंने इस बात पर बहुत रिसर्च की है. तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ग्रैनुलेटेड शुगर हम कन्फेक्शनर शुगर या पाउडर्ड शुगर यूज करेंगे. इफ यू डोंट हैव दिस तो नॉर्मल शुगर को जस्ट ब्लेंड कर लें फॉर द सेम रिजल्ट. फजीनेस के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि हम एग्स के अंदर बहुत ज्यादा एयर इनकॉर्पोरेट करें. टेस्टी हैज अ रियली गुड वीडियो ऑन दिस और मेरी अपनी जाती टेस्टिंग के मुताबिक भी दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. खैर बहुत ज्यादा बातचीत होगी है तो कैमरा एंगल टू को प्यार करें एंड लेट्स बिगिन. अपने आर्च नेमेसिस चॉकलेट ब्लॉक के साथ फिर से लड़ाई करें एंड चॉप इट इनटू स्मॉल पीसेस. इसको अपने मेटल बोल में डालें अलोंग विद अपना मक्खन, कोको पाउडर, कॉफी एंड सॉल्ट. एक पॉट में बॉइलिंग वाटर डालें, पुट दिस ओवर दैट एंड स्टार्ट मिक्सिंग. अगर आपको डेजा वू हो रहा है तो यू नॉट द ओनली वन. मैं ये एग्जैक्ट स्टेप्स लिटरली 3 दफा ऑलरेडी कर चुका हूँ वेरियस वीडियोस में. अनहेल्दी चीजें बनाना इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड सरप्राइजिंगली एंड देयर ऑल सिमिलर कॉम्बिनेशंस ऑफ चॉकलेट, शुगर, बटर एंड अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी एक्सरसाइज. इसको मिक्स करते रहें अंटिल इट टोटली स्मूथ हो जाए. आप बटर सेपरेटली मेल्ट करके भी ऊपर से पोर कर सकते हैं लेकिन आई लाइक डूइंग इट दिस वे बिकॉज इट लुक्स कूलर. जब ये टोटली स्मूथ हो जाए तो हीट बंद करके इसको ऊपर ही छोड़ दें. फिर एक और बोल में अपने अंडे डालें अलॉन्ग विद योर फाइन व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर और वनीला एसेंस. कुछ रेसिपीज इन सब चीजों को एक एक करके ऐड करती हैं लेकिन आई डोंट बॉदर ऑनेस्टली. ब्राउनीज आर नॉट अ डेलिकेट डिश और थोड़ा सा इनको मैन हैंडल करना इज नो इशू. दे आर नॉट लाइक अदर डिजर्ट्स. अपने सारे वेट इंग्रीडियंट को एक हैंड मिक्सर से बीट करना शुरू करें एंड कीप गोइंग अंटिल इसमें अच्छी तरह एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए. इफ यू डोंट हैव अ हैंड मिक्सर तो आप अपने हाथों से भी इसको मैन्युअली बीट कर सकते हैं. ऑल्सो आई थिंक आई माइट बी रनिंग आउट ऑफ जोक्स नाउ. इसकी कंसिस्टेंसी पैनकेक बैटर की तरह होनी चाहिए. अगर आपने पैनकेक बैटर कभी नहीं बनाया तो कीप गोइंग अंटिल इसकी विस्क से स्मूथ स्ट्रैंड्स मिक्सचर के गिर रहे हो. This is super satisfying to test, by the way. अपने चॉकलेट मिक्सचर को इसमें ड्रिजल इन करें while whisking constantly until ये totally mix in हो जाए. फिर मिक्सर को appreciate करें for its help and then add your flour to the batter. Spatula से वही folding technique use करें that I've shown you before. अगर आपको अभी भी ये नहीं आई तो you should probably concentrate on your studies more and you should stop watching my videos. Again, इस step में please आपने gentle होना है. Normal circumstances में हवा खारिज करना कोई मसला नहीं है लेकिन हमारे मिक्सर से हवा खारिज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. This is the second repeated joke in this video if you keeping count. जब ये टोटली कंबाइन हो जाए तो डू द कंपल्सरी फिंगर टेस्ट टेस्ट एंड देन द हैप्पी टेबल स्लैप फॉलोड बाय द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ हाउ यू आर वेस्टिंग योर लाइफ अवे. अपने ओवन को प्रीहीट करें टू 180 डिग्री सेल्सियस एंड लेट्स प्रिपेयर आवर बेकिंग पैन. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें. टू मेक श्योर कि ब्राउनीज की फजीनेस बरकरार रहे मेक श्योर टू यूज अ डीप बेकिंग वेसल. अगर आप इसको बहुत ज्यादा थिन स्प्रेड आउट करेंगे तो ऑब्वियसली इसके ओवर कुक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अपने डीप पैन को थोड़ा सा मक्खन लगाएं. This is the third repeated joke, by the way. And line it with baking paper. Pour your batter in, और इसको अपने spatula से थोड़ा सा level भी करें to ensure कि इसका top smooth हो. Then place it in the middle of your oven for a total of around 45 minutes to an hour. Timing आपकी brownies की thickness पे depend करेगी. मेरी brownies बहुत ज़्यादा thick हैं, तो इसलिए I had to bake them for around 1 hour. लेकिन thinner brownies will obviously take less time. अब कुछ रेसिपीज का एक स्टेप था कि हाफ वे थ्रू वो इसको निकाल कर काउंटर पर स्लैम करते हैं टू ब्रेक द स्किन सर्फेस. मैंने ये किया है एंड इट डज मेक अ स्लाइट डिफरेंस लेकिन इतना जरूरी नहीं है ऑनेस्टली. बट इट फील्स ग्रेट टू इंटेंशनली ड्रॉप समथिंग फॉर वंस. जब आपकी ब्राउनीज बेक हो जाएं तो टेक दम आउट एंड लेट इट रेस्ट इन द पैन फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स. आई ऑल्सो रिकमेंड दैट आप इसको फ्रिज में भी रखें फॉर अनदर 20 मिनट्स जस्ट ताकि कट करते वक्त कोई हादसा ना हो जाए आपके साथ. फिर इसको बाहर निकालें एंड कट इनटू इक्वल स्क्वायर्स. इनको अपनी प्लेट में स्टैक करें एंड वी आर फाइनली डन. एंड जस्ट लुक एट हाउ फजी दीज गाइज आर. अब गाइज मेरी ईटिंग हैबिट्स इस चैनल की वजह से काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं तो आई विल ओनली लिमिट माई सेल्फ टू 2 पीसेज. टू मेक इट मोर स्पेशल आई विल ऑल्सो नेम दीज गाइज. इस पीस का नाम रॉबर्ट ब्राउनी जूनियर है और इसके भाई का नाम रॉबर्ट ब्राउनी जूनियर जूनियर है. एंड नाउ लेट्स टेस्ट इट. और मैं क्या कहूँ यार, दिस टेस्ट रियली 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 गुड. इसका टेक्सचर परफेक्ट है. द एजेस आर क्रिस्पी बट द इनसाइड इज नाइस एंड फजी. एंड दिस इज अ ग्रेट बेस ब्राउनी रेसिपी. आप इसमें दुनिया जहां की चीजें ऐड कर सकते हैं लेकिन बिकॉज मैं बहुत बोरिंग हूँ मैं इस बेसिक वर्जन से ही खुश हूँ. एक ग्लास ठंडे दूध का भी साथ रखें फॉर एक्स्ट्रा पॉइंट्स. I'll also invite a special guest to taste them today, my lovely sister. Aapi ko khakar bahut pasand aaya aur unhone mujhe appreciate bhi bahut kiya. And I totally didn't pay her to react like this, kasam se. These are genuinely insanely good and I'm sure ki aapko bhi bahut pasand aayengi. I can't stop eating these aur thodi der baad I started feeling really sick. मुझे ऑनेस्टली लग रहा था कि मेरा टाइम करीब आ गया. बट इवन इफ दिस वाज ट्रू इतना कोई खास मसला नहीं है यार. देयर आर मच मच वर्स वेज टू गो
than death by chocolate.